फटाफट ऐप 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। कर्नाटक में हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री, मुझे बोलने से रोकने वाले गोमूत्र पिए, महुआ मोइत्रा ने कहा। यहां देखी कांग्रेस और गठबंधन की हाय हेलो। सभी पुरुषों को बलात्कारी मानना सही नहीं, स्मृति ईरानी ने कहा। पुष्पा स्टाइल में लाल चंदन की तस्करी की पकड़। कर्नाटक के उडुपी से स्कूल में शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे राज्य में तेजी पकड़ रहा है। विवाद पर मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए हमें इसकी अनुमति दी जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी ओर हुगली में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या भारत को पाकिस्तान या अफगानिस्तान बना रहे हैं। अगर बुर्का या हिजाब की मांग कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में हिजाब पर विवाद बीते महीने शुरू हुआ जब उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने हिजाब पहनने के कारण 7 लड़कियों को क्लास में जाने से रोक दिया था। संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर नजर आई। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि यूपी में 70 सीटें खोने का ही डर था, इसलिए केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। संसद में बोलने से पहले भी महुआ ने बीजेपी पर तंज कसा और ट्वीट करते हुए लिखा, मैं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने जा रही हूं। बीजेपी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी हेकलर टीम यानी रुकावट डालने वाले लोगों को तैयार कर ले और गोमूत्र के कुछ शॉट भी पी कर आए। संसद में अपनी बात रखते हुए महुआ बोली, ये सरकार इतिहास बदलना चाहती है, वह भविष्य से डरती है और वर्तमान पर अविश्वास करती है। सरकार की 80% हिंदू और 20% मुस्लिम की ये लड़ाई हमारे डरे हुए गणतंत्र को 100% बर्बाद कर रही है। यूपी में चुनाव प्रचार बेहद तेजी पर है। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में वोटिंग है और इसलिए सभी पार्टियों के दिग्गज जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस बीच बुलंदशहर में 3 फरवरी को कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां एक ही वक्त कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी प्रचार के लिए पहुंची थी, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी महागठबंधन की ओर से पहुंचे और इसी दौरान दोनों पार्टियों के काफिले का आमना सामना हो गया और तीनों ने आपस में मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रियंका ने अपनी तरफ से तो वहीं दूसरी ओर से अखिलेश और जयंत ने एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाया और प्रचार के लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। तो इस पर प्रियंका गांधी ने रिएक्ट करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, हमारी भी आपको राम राम। संसद में जारी चर्चा के दौरान सीपीआई के विनोय विश्वम ने मैरिटल रेप पर सवाल उठाया तो इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि वैवाहिक हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में देश की हर शादी को हिंसक मानकर उसकी निंदा करना और देश के सभी पुरुषों को बलात्कारी मानना सही नहीं है। स्मृति ईरानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारे देश में बच्चों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हम सभी पुरुषों को गलत नहीं कह सकते। हाल ही में आई फिल्म पुष्पा से इंस्पायर होकर लाल चंदन की चोरी की खबरें सामने आई हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस को एक ऐसा ट्रक मिला है जिसमें चोरी छिपे 2,45,00,000 रुपए का लाल चंदन ले जाया जा रहा था। सांगली पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे पकड़ा। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कर्नाटक आंध्र सीमा से महाराष्ट्र जा रहा था। पुलिस को इस बात की जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि आरोपी हाल में आई पॉपुलर फिल्म पुष्पा से प्रेरित था। उसने अपने ट्रक में लाल चंदन के ऊपर कई फल के डिब्बे भी रखे हुए थे। पुष्पा में भी कुछ इसी तरह से लाल चंदन की तस्करी के स्टाइल को दिखाया गया है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इस फिल्म में लाल चंदन की तस्करी करते हैं और पुलिस को चकमा देने की अलग अलग तरह से कोशिश करते हैं।